अब बन रहा है स्विमिंग पूल, क्या बात है जी। ओहो भाई हरी मिर्च देख रहे हो भाई कितने जबरदस्त तरीके से आ गई हैं। ये आगे जी आटा कुलचा है, तो ये यहाँ पे भैया आटा भी मिलता है और नॉर्मल भी मिलता है। ये देखिए भैया ये है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल दिल्ली फूड शौकीन में। तो भाई आज हम आपको एक और नई जगह दिल्ली की सड़कों पर नए जायके की तरफ लेकर आए हैं। तो भाई आपने कई तरह के कुलचे अभी तक देख लिए हैं, बगचौत के छोले कुलचे, कंप्यूटराइज छोले कुलचे और साथ ही साथ ससुराल की चटनी वाले छोले कुलचे। तो भाई ये सारी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगी। तो भाई इसी के साथ साथ आज हम आपको एक नई तड़कते तड़कते जायके के साथ आज हम एक नई जगह पर लेकर आए हैं, सुभाष नगर छतरी वाला पार्क। तो भाई आज हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो भाई गर्मी में आज मैं डूबने आया हूँ स्विमिंग पूल में। तो भाई आज लेकर आए हैं आपको स्विमिंग पूल वाले छोले कुलचे का जायका दिखाने और थोड़ा सा आपको टेस्ट भी कराएंगे और दिखाते हैं कैसे बनता है, कैसा है टेस्ट। तो भाई देख लो ये है स्विमिंग पूल वाले छोले कुलचे कश्यप जी के, छतरी वाला पार्क के बाहर सुभाष नगर। तो देखते हैं ज़रा बात करते हैं पहले यहाँ के ओनर से भी और दिखाते हैं कैसे बनते हैं, कैसा है यहाँ का टेस्ट। तो चलिए आइए मेरे साथ। तो लीजिए अब हमारा तैयार हो रहा है स्विमिंग पूल वाले छोले। तो भाई ये आगे जी पहले पत्ते के अंदर प्याज मसाला कैसा लगा आपको? मसाला स्पाइसी कर दो। ओहो भाई हरी मिर्च देख रहे हो भाई कितने ज़बरदस्त तरीके से आ गई हैं। और ये आ गया जी अदरक धनिया और ये आ गया टमाटर। तो भाई अब आ रहे हैं इसमें छोले। तो भैया इसे वैसे स्विमिंग पूल वाले छोले क्यों कहते हैं? भैया इसमें थोड़ा लिक्विड ज़्यादा होता है। अच्छा इसीलिए इसको स्विमिंग पूल वाले बोलते हैं। क्या बात है जी, पेट में तैरते हैं आप कैसे बनेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओ देखो जी तो भाई अच्छे से हिला दिए छोले और भाई काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। ओ भाई ये तो लड्डू बना दिया छोले का। लो जी लो अब बन रहा है स्विमिंग पूल, क्या बात है जी। ये क्या है? टमाटर का पानी, क्या बात है जी। आप ऊपर से आ गया जी नींबू, ये ऊपर से और आ गया जी नींबू। ओ भाई देख रहे हो भाई स्विमिंग पूल। ये कौन सा मसाला डाला भैया? ये गरम मसाला होता है। गरम मसाला, ओ तो भाई ये अब हमारा स्विमिंग पूल तैयार हो गया है। ऊपर से आ गए जी भाई अदरक, ये आ गए जी आटा कुलचा है। तो ये यहाँ पे भैया आटा भी मिलता है और नॉर्मल भी मिलता है। ये देखिए भैया ये है आपका आटा कुलचा, ठीक है, मैदा कुलचा। ये मैदा कुलचा आपके लिए मैं दो कुलचे आटे का, ठीक है। प्राइस में कितना फर्क है दोनों में? 60 के तीन है, 70 के तीन है। आटे वाले 70 के तीन हो गए और मैदे वाले 60 के तीन। तो भाई आटे वाले कुलचे खाएंगे आज, क्या बात है जी। बटर बताना भैया, बटर लगा दो भैया सही से, क्या बात है जी। बटर कौन सा यूज़ कर रहे हो भैया? अमूल का भाई जी। अमूल का, हाँ जी। क्या बात है जी, भाई खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है अभी से। तो भाई अब फटाफट आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है टेस्ट। तो चलिए अब टेस्टिंग का टाइम आ गया है, तो भाई अब टेस्ट करके आपको बताते हैं स्विमिंग पूल वाले छोले और साथ में आटा कुलचा। तो टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसा है टेस्ट। तो एक बार थोड़ा सा क्लोज लुक ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई ये देख रहे हो हमारे स्विमिंग पूल वाले छोले। तो भाई ये देख रहे हो स्विमिंग पूल बना हुआ है और ये साथ में बीच में तैर रहा है नींबू और टमाटर का पानी। और भाई छोले में से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना भाई, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ही लाजवाब। और भाई कुलचे जो यहाँ की खास बात है, एक बार थोड़ा सा क्लोज लुक ले लो। तो भाई ये है आटा कुलचा और एक हमने लिया मैदा कुलचा और साथ में मिले मिर्चें भाई, थोक के दाम पे मिली है मिर्चें और साथ में अचार। तो अब टेस्ट करके बताते हैं। और एक चीज़ और भाई यहाँ पे खास, तो भाई जो रायता है ना आपको ग्लास में नहीं मिलेगा भाई, बोतल में मिलेगा। तो भाई बोतल में रायता मिल रहा है, साथ में हो गए हमारे छोले कुलचे जिसका प्राइस है 70 रुपये। बाकी रायते का प्राइस भी हम आपको बताते हैं, पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लें, टेस्ट करके आपको बताते हैं कि भाई कैसा है टेस्ट। तो भाई पहले मैं लेता हूँ आटा कुलचा एक बाइट। भाई बहुत ही ज़्यादा फ्लफी सा कुलचा, बहुत ही मतलब सॉफ्ट कहते हैं ना जिसे। और भाई स्विमिंग पूल वाले छोले, ओए होए होए भाई मिर्चें डली हुई हैं बहुत ज़बरदस्त, आज भाई आग लगने वाली है। तो भाई अब टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है टेस्ट। तो भाई फर्स्ट इम्प्रेशन, थोड़े जो पत्ते हैं ना भाई, इसका एक अलग ही फ्लेवर है। ऐसे छोले मुझे लगता है मैंने पता नहीं कितने साल पहले कभी बचपन में खाए होंगे,
जब ऐसे पत्तों में सर्व होता था। इन पत्तों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आजकल डिस्पोजेबल आप देखते हो पत्ते, उसमें वैसा टेस्ट नहीं था जो इसमें टेस्ट है ना भाई, मस्ट ट्राई आइटम है। अभी तक जितने भी छोले कुलचे खाए हैं ना, उसमें जनरली जैसे छोले का टेस्ट होता है उसमें, लेकिन इसमें जो पत्ते का फ्लेवर है ना भाई, वो इसमें जान डाल रहा है। और भाई जो खटास है भाई, नींबू डाला है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, और टमाटर का पानी बहुत अच्छी खटास दे रहा है। तो भाई एक बाइट और लेता हूँ भाई। ऐसा नहीं स्पाइसीनेस नहीं है भाई, मिर्ची आपने देखी थी डालते हुए, तो भाई स्पाइसीनेस पूरी है भाई थोक के दाम में। तो एक बाइट और लेता हूँ और आपको बताता हूँ दोबारा से। भाई मज़ा आ गया, थोड़ा सा चाय भी देता हूँ, बहुत मज़ा आ गया भाई। अंदर से मुंह जल रहा है लेकिन ऊपर से कुछ पीने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि भाई फ्लेवर चले जाएंगे ना भाई। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, एक बार फिर भी रायता पीता हूँ और आपको टेस्ट बताता हूँ कैसा है टेस्ट। वो भाई खुली नहीं रही वो भाई के। तो टेस्ट करते हैं रायता और आपको बताते हैं कि भाई रायते का टेस्ट कैसा है। ओहो भाई ठंडा ठंडा एकदम भाई, असली मज़ा है, असली मज़ा है ये भाई। एक लास्ट जाते जाते एक बाइट लेता हूँ भाई मैदे वाले कुलचे की। तो भाई मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना ये छोले खाते हैं, मेरा मन कर रहा है इसके बाद मैं एक पत्ता स्पेशल बनवाऊँ खाली छोले का, जो भाई फ्लेवर आ रहे हैं ना पत्ते के, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। तो भाई ये पूरा स्विमिंग पूल जो है ख़त्म कर दिया मैंने भाई, खट्टापन एक एक चीज़ का ना फ्लेवर उठ के आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। दोनों कुलचे का अपना अपना टेस्ट है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेस्ट करते हैं। दोनों का अपना अपना अलग ही फ्लेवर है। और भाई छोले, तो भाई छोले ने जो जान डाली है ना भाई, मज़ा आ रहा है खाने में। एक बार थोड़ा सा पास आ जाओ, थोड़ा सा पास आ जाओ, एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो भाई ये छोले देख रहे हो भाई, जनरली आप कहीं से भी खाते हो ना, तो भाई दो तीन बाइट में ना भाई पत्ता आधा हो जाता है। तो भाई इसे देख के ऐसा लग रहा है अभी तो खाया ही नहीं छोले, क्योंकि भाई क्वान्टिटी इतनी ज़बरदस्त दी हुई है ना छोले की, और जो उसमें स्विमिंग पूल बनाया हुआ भाई। आ जाओ तुम भी और यहाँ पर आके डुबकी लगा लो इसमें, तो भाई बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। तो एक बार यहाँ के ओनर से बात करेंगे, ओनर से बात करके आपको थोड़ा सा यहाँ एरिया के बारे में बताते हैं, लोकेशन के बारे में बताते हैं, और पूछते हैं कितनी पुरानी दुकान है और ऐसा क्या, कौन से मसाले डाले हैं, ऐसा क्या किया इन्होंने। वैसे मेन जो भाई जो मुझे लग रहा है ना, हर जगह आपको ये पत्ते नहीं मिलते, यहाँ पे पत्तों का ही एक फ्लेवर है, पत्ते का एक बहुत ही लाजवाब फ्लेवर है, जिसकी वजह से इसे खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो भाई मैं इसे फटाफट ख़त्म करता हूँ, उसके बाद भैया से बात करता हूँ, तब तक मिलता हूँ दो मिनट में। तो चलिए अब एक बार ओनर से बात करते हैं, अंकल भाई बहुत बिजी हैं, तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लेके पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया। तो सबसे पहले अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रूपराम। तो कितना टाइम हो गया आपके शॉप पे? मेरे इसको 1969 से स्टार्ट है, मतलब 1969 से चल रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि क्या लाजवाब जायका। आप एक चीज़ मुझे ये बताओ, मैं सब जगह मैंने देखा है कि जो छोले का पत्ता है वो आजकल वही डिस्पोजेबल हो चुका है, आपके वही नेचुरल पत्ते चल रहे हैं। ऐसा है ना कि आजकल इसको देखो वो प्लास्टिक थर्माकोल इस्तेमाल करता है, ये हमारा नेचुरल काम है। ये पत्ते जो है स्टैम्प पर एक एंटिक पीस है, ये जल्दी से आसानी से मिलते नहीं बाजार में। तो देख सकते हैं कि आजकल के टाइम पे सब चीज़ें चेंज हो रही है, अंकल वहीं की वही चीज़ें अभी तक वही ला रहे हैं। आप देख सकते हैं आसपास क्राउड, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा टेस्ट यहाँ पे मिल रहा है। और अंकल किसी को यहाँ पे आना हो तो उसके लिए थोड़ा सा रास्ता समझा दो। ये सुभाष नगर 2 ब्लॉक छतरी वाला पार्क के बिल्कुल बाहर। हाँ, कश्यप छोले कुलचे। तो भाई यहाँ पर आ जाना, आके टेस्ट कर लेना, अगर आपको पुराने टाइप के छोले टेस्ट करने हो तो ये अंकल मिलेंगे। अंकल को कह रहे ना स्पेशल स्विमिंग पूल वाले। और अंकल थोड़ा सा ये और समझाओ कि स्विमिंग पूल में की क्या खास बात है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर थोड़ा टमाटर का पानी और लिक्विड ज़्यादा होता है। तो ये पहले से करते हैं? पहले से नहीं, ग्राहक की चॉइस पे करते हैं। अच्छा। क्योंकि मसाला तेज करना पड़ता है उसमें। अच्छा, इस वजह से। लेकिन खाने का टेस्ट जो है बहुत ही लाजवाब होता है। तो भाई मैं इसकी रिकमेंडेशन देता हूँ, तो भाई स्पाइसी अगर ज़बरदस्त वाले खाने हैं ना छोले, तो भाई स्विमिंग पूल वाले छोले खाना और जायके का लुत्फ उठाना। तो चलिए अब हमारे रिव्यू के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ भाई, कस्टमर रिव्यू। तो एक बार भैया से पूछते हैं कि कितना टाइम हुआ और कैसा टेस्ट लगता है। तो सबसे पहले भैया आपका नाम क्या? मैं क्या कहते हैं सुमित। मैं कि मैं यहाँ पे इनके यहाँ से जब इनकी रेडी बाहर स्टेशन के पास जब ये स्टार्ट हुए थे, हाँ, तब से मैं आता हूँ। मतलब मेरे को भी आज कितने साल हो गए? 35 ईयर्स हो गए। कितने?
35 ईयर्स 35 साल हो चुके हैं। मतलब आपकी उस टाइम पे एज कितनी थी? मैं एक्चुअली 13 साल का था, मैं तब से खा रहा हूँ। मतलब देख लो भैया 13 साल से अभी तक देख लो आ रहे हैं। और ऐसा क्या मतलब खास लगता है यहाँ पे आपको? एक्चुअली मैं हम मॉर्निंग में मतलब मैं ये ऑलमोस्ट डेली यहाँ पर इनके ये जो हैं क्या कहते हैं छोले और हैं ये मटर, ये बहुत टेस्टी हैं। ये गलत हैं जो आप अभी बात कर रहे थे कि ऊपर से स्पाइसी वाले, हाँ मोस्टली मैं वही खाता हूँ स्विमिंग पूल वाले बना के। तो बस देख सकते हो भाई इसकी डिमांड यहाँ पे कितनी है। भैया 35 साल से खा रहे हैं तो भाई समझ सकते हो कि यार कैसा टेस्ट होने वाला है। और भैया कुछ खास बता रहे हैं? टेस्ट में कोई दूर नहीं कि टेस्ट वाकई में जो है ये लाजवाब है। बिल्कुल सामने इनके जो हैं ये भाई खड़े हैं। अच्छा, वहाँ पर लोग मतलब है वही सेम चीज़ लेकिन वहाँ पर नहीं जाते लोग, बट एक होता है हाथ का फ़र्क, इसलिए मोस्टली हम स्टार्टिंग से ही और संडे के संडे मॉर्निंग में हम जब खेल के आते हैं क्रिकेट तो यहीं पर ही हम ये खाते हैं। तो देख रहे हो भैया का बचपन यहाँ से निकल रहा है और अभी तक भैया आ रहे हैं। और ऐसे डोने में ऐसे पत्ते में कहीं आपको और इसका तो टेस्ट यहीं पर ही मिलता है और मैंने भी नहीं कहीं देखा कि कहीं और मिलता हो। हालांकि और जगह अपना ये प्लास्टिक के जो हैं बॉल्स जो यहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन जो जो मज़ा यहाँ पे आता है डोने में वो कहीं नहीं। तो भैया देख लो कि जैसे भैया कह रहे हैं कि अगर ऐसा स्वाद लेना तो भाई उसके लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। तो भाई सुभाष नगर छतरी वाले पार्क के बाहर आ जाओ भैया के पास और आओ जल्दी से आके टेस्ट करो। तब तक के लिए भाई हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई डेली फूड शौकीन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले जायके के साथ।